हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हम एक बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग और एक काफ़ी बड़ा टॉपिक, जो कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स या आप कह सकते हो मार्केट्स के स्ट्रक्चर के बारे में होता है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है, ओलिगोपॉली मार्केट होती है, आपकी मोनोपॉलिस्ट मार्केट होती है मोनोपॉली, और इसी तरीके कि आपकी जो मार्केट्स होती हैं आखिर वो मार्केट किस बेसिस पर डिवाइड की जाती है, आखिर उनको क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से बेसिस लिए जाते हैं। या लेट्स सपोज आपके पास 10 मार्केट आपके आगे खड़ी कर दी गई है, तो आप उसको डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, उस मार्केट के स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से बेसिस पॉइंट्स को लोगे। सो दैट इज़ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इज इट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स? सो दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट इफ यू आर गिविंग एनी एग्जाम or the objective type of questions are going to come, then this topic can help you to get even at least one mark in that type of exam. So वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको दिख सकता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे चांसेस कम है, बट स्टिल वी शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। नाउ सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज, और यू कैन से द सबसे पहला बेसिस जो है दैट इज योर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इफ़ यू हैव, लेट सपोज यू हैव 10 मार्केट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और लेट सपोज यू हैव 3 मार्केट्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देर इज अ वन मार्केट विच हैव द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विच आर अनलिमिटेड, ओके, यानी कि वहाँ पे बायर और सेलर के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, और एक मार्केट है जहाँ पे बायर के नंबर ज़्यादा हैं और सेलर के नंबर कम हैं, और लेट सपोज एक थर्ड मार्केट है जहाँ पे सेलर का नंबर जो है वो सिर्फ एक है और बायर्स आर अनलिमिटेड। तो ये तीनों आप मार्केट्स को डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो इस स्ट्रक्चर पे कि किस मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के नंबर कितने हैं, मीन्स नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर को बेस बना करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है बनाया जा सकता है, जो कि मार्केट का स्ट्रक्चर होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर आप मोनोपॉली में देखोगे, सो मोनोपॉली में क्या होता है दैट इफ़ देर इज़ वन सेलर ओनली फॉर वन प्रोडक्ट एंड अनलिमिटेड बायर्स, तो वो मार्केट आपकी जो है मोनोपॉली कहलाई जाती है। जैसे कि रेलवे के टाइम, अभी अगर हम देखें तो रेलवे में जो है सिर्फ IRCTC जो हमारा मेन है, जो हमें ये सर्विस देता है, वो क्या है, वो एक मोनोपॉली मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर सेलर सिर्फ एक है और कोई रेलवे की सर्विस हमें नहीं देता है, और वहाँ पे इसको यूज़ करने वाले जो बायर्स हैं, जो सर्विस ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, वो अनलिमिटेड हैं। वहीं अगर आप लोकल अपनी शॉप्स पे चले जाओ, दुकानों पे चले जाओ, तो वहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए अनलिमिटेड सेलर होंगे और अनलिमिटेड बायर्स होंगे। जैसे ये पेन ही अगर आपको लेना है तो अनलिमिटेड सेलर और बायर अवेलेबल मार्केट में होंगे। तो इस बेसिस पे आप मार्केट के स्ट्रक्चर को अलग कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हैं। सो नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स हैं मार्केट में, ये चीज़ इंडिकेट करता है कि भैया मार्केट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेट सपोज देर इज़ ओनली वन पर्सन हु इज़ एट द पोजिशन ऑफ सेलर, लाइक IRCTC, वो सेलर कि नॉर्मल पोजीशन पे है, जब भी उसको लगेगा प्राइस बढ़ाना है वो बढ़ा सकता है, जब भी उसको लगेगा प्राइस घटाना है वो घटा सकता है। नो वन कैन इवन टेल हिम कि भैया ऐसा मत करो, अदरवाइज दूसरा पर्सन तुम्हारे जो है तुम्हारा सामान लेकर के या तुम्हारे लोगों को लेकर के, कंज्यूमर्स को लेकर के चला जाएगा, क्योंकि एक ही सेलर है, कौन लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। और वहीं पे जहाँ पे अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अगर आप अपना प्राइस बढ़ाओगे तो जो कंज्यूमर्स हैं मार्केट में वो आपकी जगह दूसरे लोगों से जाकर के, दूसरे सेलर से जाकर के बाय करेगा, परचेज कर लेगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अब अगर आपके पास जो है ज़्यादा सेलर से ज़्यादा सेलर्स हैं तो वहाँ पे प्राइस जो है मार्केट द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाएगा, मार्केट के डिमांड के द्वारा प्राइस को होता देखोगे। और वहीं पे व्हेन देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट, देन दैट पर्टिकुलर सेलर इज गोइंग टू डिसाइड एट व्हाट प्राइस ही वांट टू सेल हिज प्रोडक्ट्स। वहां पे जो इन्फ्लुएंस होने वाला है प्राइस का, दैट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेलर इटसेल्फ। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो perform a very you can say the important role when you classify your market, like if you are selling or if jo hai market mein identical nature ke yahan pe homogeneous products beche ja rahe hain to us situation mein kya hai, uniform price hone wala hai। let's suppose aap market mein chahiye, aapko jo hai ye notebook mil rahi hai patli si itne paper ki, to wo 10 rupaye ki usually milegi, kyunki ye homogeneous product hai, yahan pe market mein sirf wahi product bik raha hai, to homogeneous nature ke identical products bik rahe hain,
और वो बेचे जा रहे हैं, तो इसीलिए उसका जो प्राइस होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी द यूनिफॉर्म प्राइस, नॉर्मल प्राइस, हर जगह पे एक ही जैसा प्राइस वहाँ पे मिलेगा। और वहीं पे अगर कमोडिटी का कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, तो यानी कि जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा रहे हो, पेट्रोल की जगह ऐसा तो नहीं है ना कि पेट्रोल की जगह पानी डाल के चला लोगे, पेट्रोल नहीं मिल रही चलो लस्सी डाल लेते हैं। अब कैंसर का कोई पेशेंट है उसको कैंसर की दवाई देनी है, कैंसर की जगह ऐसा तो नहीं कर सकते कि भैया टीवी की दे देते हैं, नहीं, तो उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। यानी कि आप उसको, आपके पास बस वही ऑप्शन है, आपको वही यूज़ करना है, उसकी जगह आप किसी और को यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, उसको आप नहीं बदल सकते, तो यहाँ पे हायर प्राइस जो है बायर से चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। अब देखो, अब जैसे कि आपको आपके एरिया में लाइक सपोज मंगल बाज़ार, वीर बाज़ार या कोई भी वीकली मार्केट लगता होगा, आपने वहाँ पे जाकर के आलू प्याज टमाटर बेचना है, आप जाओ अपना ठेला लेके जाओ, आप वहाँ पे खड़े हो जाओ, बेचो, नो वन इज़ गोना गोइंग टू स्टॉप यू, ठीक है। और आपको अगर ख़रीदना है तो भी आप जाकर के ख़रीद लो। लेकिन वहीं पे लेट्स सपोज मेरा मन करता है मैं हथियार बेचूं, या फिर मेरा मन करता है मैं जो हूँ कुछ ऐसे परमाणुओं का कुछ बना करके बेचूं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बेचूं जो कि अभी इतनी उसमें आप एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अगर हथियार बनाने हैं आपको पहले लाइसेंस ना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर होता है और आपको ज़रूरी नहीं है कि लाइसेंस मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्म्स की मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप जब मन चाहे बनाने लग जाओ कि मैं आज हथियार बनाऊंगा, नहीं। और अगर आपको जैसे रेलवे का ही कुछ काम करना है, सब्सिट्यूट करना है, तो आप नहीं कर सकते, आपकी एंट्री उसमें अवेलेबल नहीं है, बैन है, आप जा ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो क्योंकि आपको नहीं लगता अडानी अंबानी जो है अपनी अपनी रेलें बना करके निकाल चुके होते, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो है कुछ मार्केट्स में आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ऐसा नहीं है कि करके कभी भी चले आए और कभी भी जो है प्रोडक्ट बेचने लग गए, नहीं होता। सो यहाँ पे मार्केट्स में जो है फ्रीडम कितनी है फर्म्स की मूवमेंट्स को लेकर के। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ फर्म्स, इट मींस द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द फर्म, कि भैया कितना इजीली जो है मार्केट में यहाँ पे फर्म्स अपनी एग्जिट ले सकते हैं या एंट्री ले सकते हैं। आज को जो है IRCTC कह दे कि भैया मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है। भले ही उसकी कंपनी है, वो अपनी जो है एक्जिस्टेंस है, बट स्टिल वो ऐसे एग्जिट नहीं कर सकता अपनी फर्म को। तो यहाँ पे फर्म्स जो है एकदम से एग्जिट और एंट्री कितना कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पे एग्जिट और एंट्री करना बहुत इजी है, जैसे कि आपका आलू प्याज सब्जियाँ बेचना, कपड़े बेचना, जूते चप्पल बेचना, ये इजी है। सो यहाँ पे जो है प्राइस आप क्या करोगे, जो कंपटीशन है उसके कंपैरिजन में रखोगे कि भैया ये 10 रुपये किलो बेच रहा है, मैं भी 10 ही बेचूंगा, अगर मैंने 12 बेचा तो कोई मुझसे नहीं खरीदेगा। तो ये क्या है, ये कंपटीशन की फियर की वजह से वहाँ पे जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है मार्केट के द्वारा। वहीं पे जहाँ पे फ्रीडम नहीं है मूवमेंट ऑफ फर्म्स की, यानी जहाँ पे फर्म्स खुद अपना एग्जिट एंट्री अपनी मर्जी से, हमेशा ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में एग्जिट कर लिया, एंट्री कर लिया, या फिर न्यू फर्म्स की एंट्री हो गई या ओल्ड की एग्जिट हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपका रिस्ट्रिक्शन है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे क्या होगा कि आप ओल्ड फर्म्स को जो है जो भी आपकी है वो एग्जिट नहीं कर पाएंगी, और उनके पास पूरा अधिकार होता है, वो जब चाहे जितना चाहे पैसा यहाँ पे मांग सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। नॉलेज ऑफ मार्केट, अब क्या होता है, नॉलेज अगर आपको मार्केट की है, लेट्स सपोज एक मार्केट है जैसे कि आलू प्याज सब्जियों की ही मार्केट है, वहाँ पे कोई भी कंज्यूमर कुछ खरीदने जा रहा है, तो भैया उसको पता है आलू 10 रुपये के भाव चल रहा है, यानी कि उसको नॉलेज है कि भैया क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, उसको अबाउट द प्राइस उसको नॉलेज है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, जहाँ पे प्राइस की नॉलेज होती है, जहाँ पे आपको आइडिया है कि भैया क्या प्राइस चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, सो उस सिचुएशन में आपके लिए जो है प्राइस प्रिवेल कर वही करोगे जो मार्केट में होगा, क्योंकि कंज्यूमर तो आके कह देगा कि आप 10 में बेच रहे हो, वो जो है 8 रुपये में बेच रहा है, तो हम वहाँ से जाके खरीदेंगे। तो इट मीन्स यू हैव द नॉलेज ऑफ मार्केट कि भैया मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्रोडक्ट चल रहा है, तो इसीलिए कोई भी आपसे जो है फालतू का चार्ज नहीं कर पाएगा। और वहीं पे जहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज है कि आपको कुछ खरीदना है, आपको नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली में क्या रेट चल रहा है मार्केट में, आपको जो है क्या कहते हैं जो रिवॉल्वर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं मेरे ख्याल से, हाँ कट्टा खरीदना है आपको, ठीक है, प्रॉपर यूपी लैंग्वेज में, कि भैया अगर आपको कट्टा खरीदना है आपको नहीं पता कितने में बिकेगा या कितने में सॉरी मिलेगा, तो उस सिचुएशन में क्या है, जो सामने वाला बोलेगा आपको लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है।
कि भाई कितना प्राइस में इसको मिलता है। सो अगर ऐसा मार्केट है जहाँ पे नॉलेज प्रॉपर नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो भी सेलर मांग रहा है उसको उस प्राइस पे ही वो बेचना चाहता है। नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। अब क्या होता है कि आपने गुड्स बेचने हैं, उसके लिए आपको गुड्स बनाने पड़ेंगे, प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और गुड्स बनाने के लिए आपको जो है आबड़ा कडाबरा करके नहीं बनते हैं। यू नीड सम प्रोडक्शन के पॉइंट्स, जो कि आप कह लीजिए कि आपके इनपुट्स होते हैं, यानी कि आपके उस गुड्स में यूज़ होने वाले आपके मटेरियल्स जो कि आप यूज़ करोगे एंड देन उसको प्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ पे उन मटेरियल्स की, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी कैसी है, क्या आप इजीली उसको मोबिलाइज कर सकते हो, जहाँ पे ज़रूरत है ला सकते हो या नहीं। सो जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ईजिली मूव किए जा सकते हैं, फ्रीली इधर से उधर लाए जा सकते हैं, तो उसका मार्केट में जो है यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल होता है। जैसे आलू प्याज टमाटर आराम से कहीं भी लेकर के चले जाओ तो क्या है, प्राइस प्रिवेल जो भी मार्केट में होता है वो फ्रीली होता है। बट वहीं पे अगर डिफरेंट प्राइस है वो प्रिवेल होगा मार्केट में, अगर आपकी इमोबिलिटी है गुड्स की जो है इतनी ईजिली मोबिलिटी नहीं होती है, गली गली पे नहीं बिक रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह पे कहीं पे आपको जो है मिल रहे हैं, उसको उठा करके लेके जाना हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो मोबिलिटी इज़ नॉट दैट मच ईजी। सो इन दैट सिचुएशन उसका जो प्राइस है वो आपका मार्केट प्रिवेलिंग नहीं होगा, बल्कि जो सेलर कहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। Okay, that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.